कर्ट कर लेता हूं एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं कि जो मार्केट शेयर है मार्केट शेयर है तो मैं इसमें डेटाबेस का मार्केट शेयर कोई ब्लॉक से देख लेता हूं बिकॉज़ आई वाज नॉट रेडी विद दिस डेटा बट स्टिल जो मार्केट शेयर है बेसिकली वो इतना है कि सबसे ऊपर क्वालिटी सबसे ऊपर जो डेटाबेस है वो इस समय ना ऑरेकल uh, है ठीक है तो मैं दिखाता हूं आपको ये हर साल चेंज होता है मार्केट ट्रेंड तो ये हर साल चेंज होता है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको कैप्चर करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोग को चेक करते रहना चाहिए जिससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि कौन सा कौन कौन सा डेटाबेस फ्लेवर कौन से कोऑर्डिनेट में है ठीक है तो हमारे पास ये सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है Sorry, guys, I was not ready with this uh, information. I should be ready to show you guys, but I don't find the correct. तो मेरा आज का पॉइंट ये था कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मार्केट में जब हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करते हैं तो हम कहाँ कहाँ इंगेज हो सकते हैं क्या हमारा स्कोप्ड है कि हम किस लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ग्रूम कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम जा सकते हैं तो ये आज का पर्पज़ था तो जैसे कि मैंने बताया आपको आजकल मार्केट में और एक ये ट्रेंड है देखो मार्केट का ये रैंकिंग है ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको अगर मेरे पास प्रॉपर मिलेगा ये देखो तो दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन द थ्री बिलियन यूजर्स ऑपरेट्स, आई I मीन mean, टोटल ऑपरेशन वाइज तो आप देखोगे इसमें ऑरिकल इतने सारे यूजर यूज करते हैं माइस इक्वल को ये यूज करते हैं एम एस एसक्ल हमारा तीसरे नंबर पे है तो टोटल शेयरिंग है तो ये डेटा अपना जो है इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा था ठीक है उसके बाद हम लोग पोस्ट ग्रेस यूज करते हैं फिर मंगो डीबी आई बी एम डी बी टू है रेडिस है ठीक है लाइट है और एक्सेस है इस तरह के डेटाबेस है तो ये एक मार्केट ट्रेंड है तो इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट में कितनी जॉब्स हैं और किस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए क्या जॉब्स हैं तो अब दो चीजें हो गई एक तो हो गया जो आई डी बी में सिस्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट इसमें डिस्क्राइब किए हैं बट मंगो डीबी इन्होंने डाल दिया नो, नो स्कुल फ्लेवर है बट उसका भी एक रैंक डाल दिया है तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं इस ट्रेंड से कि हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो जॉब है जो करियर है उसमें हमारा क्या स्कोप है और हमें जॉब आसानी से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है आप दो चीजों की बात करते हैं मार्केट में दो चीजें और चलती हैं एक होता है ओपन सोर्स जिसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉरी मैंने अभी पता नहीं आप लोगों को बताया कि नहीं ओपन सोर्स वर्सेस प्रोपराइटरी ठीक है नेक्स्ट so टाइम मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए वो भी बना दूंगा तो, yeah. तो का मतलब क्या होता है वो ओपनली अवेलेबल है वो है क्या बोलते हैं फॉरम्स For, है और आप उन फॉर्म्स पे जाके जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है वहां से आप उसको डायरेक्टली अपने बग्स होते हैं उनको आप चेक कर सकते हो और उनको देख सकते हो राइट right. ओके, okay. सो so, जैसे कि मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा था तो इसमें जो ऑरिकल है सब लोग जानते हैं ऑरिकल एक अपना खुद का प्रोपराइटरी कंपनी है आई I मीन mean, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है ऑरिकल का ऑरिकल डेटाबेस फिर बाद में क्या हुआ जब माइस इक्वल जो था पहले वो किसी और ने डेवलप किया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हुआ करता था लेकिन इसने माइस इक्वल को भी एक्वायर कर लिया तो इट इज ऑल्सो बिकम

ये जो मंगो डी है ये ओपन सोर्स है आई बी एम डी बी टू आई बी एम की प्रोपराइटरी है तो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सब लोगों ने काम किया होगा बचपन में सब लोगों के अच्छे एज आप लोग तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हम एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था उस पर हम डेटाबेस सेव करते थे तो, तो आज भी बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करते हैं वो पूरी इरफान ने किया होगा राइट इरफान आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर काम किया होगा राइट सो so, कॉन्सेप्टुअली yes, अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसी भी की तो मोटा मोटा यही है एक स्ट्रक्चर डेटा है जिसमें हमें टेबल और रो टेबल वो है अंडरस्टैंडिंग और उसमें डेटा जो हम सेव करते हैं हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे में कर, सेव करते हैं तो हमेशा डेटाबेस का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है पहले डेटाबेस होगा जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं बात करता हूँ कि भैया कौन से डेटाबेस पर हमें पढ़ना चाहिए कौन सा डेटा बेस्ट बेस्ट है जिससे हमें अच्छी जॉब मिल जाए और कौन सा ऐसा डेटा बेस है जो बहुत ईजी और हम आसानी से सीख सकते हैं तो जनरली ह्यूमन टेंडेंसी होती है जब अगर हमारे पास वर्चुअल आई मीन वी कैन से जियो आई बेस्ड ऑप्शन हैं तो सबसे पहले लोग जियो आई बेस्ड चीजों को पसंद करते हैं तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है वो मोर पॉपुलर लाइन एक्स है रीजन बींग क्योंकि लोग जियोआई को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट इसीलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसका जियोआई है बहुत सारे ऐसी फीचर्स हैं जो आप 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 नॉर्मली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो देख सकते हो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो सारी चीजें आप थ्रू द यूजर इंटरफेस जो होता है जियो आई जिसको बोलते हैं ठीक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू चेक कर सकते हो देख सकते हो फिर अब एक क्वेश्चन और रेज होता है अच्छा कैन यू जस्ट म्यूट योर कैमरा प्लीज ओके

फीचर्स हैं इसमें इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे आप कोई क्वेरी लिखने चाहते हैं तो इसमें एक ऑप्शन है कि भैया मैं क्वेरी लिखना चाहता हूँ क्लिक करो न्यू क्वेरी पे आ गए ना अगर मैं क्वेरी लिखने के अलावा इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये मुझे बहुत बहुत बार अपने सजेशन अपने आप ही देता है तो ये दे देखो आपको कोई सजेशन अपने आप ही देता है तो अगर हमने कुछ इसमें टेबल है नहीं बट हम देखो इसमें कई बार हमें सजेशन मिल जाते हैं तो आप देखो मैंने जैसे डी बी ओ लगाया तो ये हमें क्या दिखाने लगा है सजेशन देने लगा तो हमारे गलती होने के चांस कम हो गए और हम लोग इसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं एक पॉइंट ये हो गया दूसरा ये एक और चीज हो गई कि ये इसका एक वर्जन होता है डेवलपर वर्जन जिसको आप पूरा एंटरप्राइज एडिशन के जो फीचर्स होते हैं वो पूरा टेस्ट कर सकते हो इसकी जो कम्युनिटी है प्लस इसके ब्लॉक्स हैं और और इसके जितने भी डेटा अवेलेबल है मार्केट में अच्छे लेवल पे इन इम्प्रूव किया है और इनके पास बहुत मेच्योर सॉफ्टवेयर है आज की डेट में क्योंकि तो जब माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने उन्नीस दो हजार में समवेयर स्टार्ट किया था बल्कि उससे पहले ही किया होगा और आज हम बाईस साल होगा इसको इनका नया वर्जन आ गया इनका नया डेमो वर्जन आ गया 2022 आ गया तो अगली क्लासेस में ना जब हम 19 या पूरा कंप्लीट अपना कर लेंगे जब हम स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे उसके बाद हम 2022 पे बहुत सारे नए फीचर्स हैं वो, वो वो करेंगे जिससे आप जब मार्केट में जाओगे तो जनरली के किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ये अंडरस्टैंडिंग होती है यूजर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मैं इंटरव्यू पैनल में हूँ कई बार मैं ये पूछता हूँ अपने जो भी सामने कैंडिडेट होता है कि आपको नए वर्जन के बारे में क्या पता है मार्केट में नया क्या चल रहा है कौन सी ऐसी आप, आप परेशान हो रहे होगा और नए वर्जन में वो सॉल्व हो रही होगी तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ओके के फीचर है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और नए वर्जन में ये हमें हेल्प कर रहा है ठीक है तो जब माइक्रोसॉफ्ट की मुझे याद है जब मैं मैं जब स्टार्ट किया था अपना कैरियर तो मैं 2000 माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2000 हुआ करता था उस पर काम करते थे तो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो नहीं हुआ करते थे बहुत सारी ऐसी चीजें थी तो जो नहीं होती थे लेकिन जब जैसे जैसे इम्प्रूव किया तो इसमें ऐसे कई सारे फीचर्स हो गए जो मार्केट में इसको पॉपुलराइज कर दिया उसके अलावा इसमें ऐसे फीचर्स आ गए 2016 तक तो हम इसको केवल विंडो पे ही चला सकते थे अभी ये लाइनेक्स पे भी सपोर्ट करता है तो 2017 से 2017 से अंटिल नाउ इट इज सपोर्टिंग टू द लाइन एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो तो अब आप, आपका स्कोप बढ़ गया पहले ये होता था कि नहीं लिमिटेड टू द विंडोज है लेकिन अब लाइनेक्स पे भी सपोर्ट करता है तो उस तरह से क्या होता है कि अब कोई यूजर बोलता है कि नहीं मैं तो लाइनेक्स पे चलाता हूँ लाइनेक्स इज मोर सिक्योर ये इट इज अलाउड टू यूज इन द लाइन एक्स ऑल्सो तो तुम्हारा भी क्राइटेरिया बढ़ गया अगर आप Linux पे काम कर रहे हो तो आप और भी डेटाबेस लेवल पर काम कर सकते हो सो दिस इज समथिंग रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन यूनिज राइट तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सो नाउ हम जो क्लास ले रहे थे इसमें कई नए कैंडिडेट्स भी हैं और पुराने लोग भी हैं तो हम जितना भी पढ़ेंगे शुरू से एंड तक वो 2019 हजार पे एंस ऑन करेंगे जिससे 2019 के जो फीचर्स हैं वो आप समझ पाएंगे उसके जो नए इन्हांसमेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हमने 16 में क्या क्या चेंज किया और 19 में क्या नए फीचर्स आ गए वो उसके अलावा इसमें सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव हो गई वो सारी चीजें पढ़ेंगे प्लस उसके अलावा हम बेस्ट प्रैक्टिस

ठीक है तो अब हम अपना जो प्रीवियस सेशन था जो प्रीवियस लेक्चर था उसी को कंटिन्यू करेंगे अभी हम मीटिंग को क्लोज करते हैं और फिर से ज्वाइन करते हैं ठीक है तो हमारे पास मैं बीस मिनट और ले लूंगा अगली क्लास है मेरी उससे पहले बीस मिनट हम लोग और डिस्कस कर लेंगे और फिर जो पुराना हम बैकअप रिस्टोर पे थे या फिर आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँ रीजन बीइंग यूसुफ है और इरफान है दो दो कैंडिडेट और अंकित है अक्ष, अंकित ये तीन लोग नए हैं आज के बैच में तो हम कुछ नया स्टार्ट कर लें आई I लेन mean, जिससे इन लोगों को पुराना समझने में दिक्कत नहीं होगी और हम पुराना बाद में कंटिन्यू कर लेंगे एक साथ में ठीक है तो 20 मिनट का सेशन और कर लेते हैं हम इसको क्लोज करके अदरवाइज हम बीच में कर रहे होंगे और ये हमें परेशान करेगा ठीक है तो मैं क्विकली मीटिंग क्लोज करके और रिजॉइन करते हैं इसको ठीक है एग्री ठीक है यस सर तो फटाफट इसको